कुछ समय के लिए कुछ रुपयों की आपको जरूरत है तो आप उस जरूरत को पूरा करने के लिए यदि आपका सैलरी अकाउंट बड़ौदा बैंक में है तो आप आसानी से पूर्ति कर सकते हो। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ बैंक में जा कर के एक फार्म भरना पड़ता है जो कि आगे चलकर मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, किस किस प्रकार के कागजों की डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्रों की जरूरत पड़ती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने के लिए आपको सबसे पहले एक विवाह का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा जो आपको अपने विवाह के कंपिटेंट ऑथोरिटी यानी कि जहाँ से आपकी सैलरी बनती है उस सैलरी बनाने वाले का पदनाम और मोहर की आवश्यकता होती है और वह ये वेरीफाई करके देता है कि आप उस विभाग में इतने दिन से काम कर रहे हैं, इस दिन से आप जॉब नौकरी कर रहे हैं। एक तो ये सर्टिफिकेट हो गया विभाग की ओर से और एक आपको अंडरटेकिंग भी देनी पड़ती है जो उस फार्म में नीचे अंकित सभी डिटेल भरनी होंगी। इसके अलावा आपको अपनी से एक एप्लीकेशन भी देनी पड़ती है जिस एप्लीकेशन में आपको भरना पड़ता है कि आपकी पूरा नाम क्या है, आपका अकाउंट कितने साल से है, आपका अकाउंट नंबर और आपके खाते में कितनी ग्रॉस सैलरी आती है, आपके खाते में कितनी नेट सैलरी रहती है, ये उसमें आपको एक छोटा सा भरना पड़ता है। साथ साथ में आपने एक गारंटर के रूप में किसी जो जिस बैंक बड़ौदा बैंक से आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रहे हैं तो उस बड़ौदा बैंक के ही किसी खातेधारक का आपको एक गारंटी के रूप में उसके हस्ताक्षर उसका अकाउंट नंबर भरना पड़ता है। तो चलिए कौन सा फार्म है जिसके हमें भर करके ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की सुविधा मिलेगी, तो आगे चल। ये वो फार्म है जिसके माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा में हमें प्रेजेंट करके दे करके भर कर दे करके हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की सुविधा मिलेगी। सबसे पहले हम उस ब्रांच मैनेजर को इसका नाम लिखेंगे जिसमें हमारा सैलरी अकाउंट है। इसके बाद में हमारा जो सैलरी अकाउंट सेविंग अकाउंट है उसका नंबर यहाँ लिखेंगे और उस ब्रांच में कितने समय से चल रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में हमें कितने रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की ज़रूरत है, हमें पैसे की ज़रूरत है वो हम यहाँ पर भर देंगे। अब आगे चलते हैं नंबर एक पर, अपना नाम पूरा नाम और इसके आगे फादर्स नेम, प्रेजेंट एम्प्लॉय आप जो है नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर यानी कि आप वर्तमान में किस विभाग के अधीन काम कर रहे हैं और आपका एम्प्लॉयर कौन है, आपको रोजगार किस विभाग में दिया है और उस विभाग में आपका एम्प्लॉय कोड नंबर होता है यानी कर्मचारी संख्या होती है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक डेजिग्नेशन अपना भरना होता है। उसके बाद में नंबर चार पर आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, इसके सामने ही ठीक आपको डेट ऑफ जॉइनिंग भरनी है। इसके साथ साथ में आपको नंबर पाँच पर एम्प्लॉयमेंट रेगुलर टेम्परेरी या ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे यानी कि आप किस तरह के नेचर के एम्प्लॉय हो, परमानेंट हो, स्थाई हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, आपको पाँच नंबर के सामने भरना है। इसके बाद में छठे नंबर पे आपको जॉब इज ट्रांसफरेबल है यस और नो, यदि आपका जॉब ट्रांसफरेबल है तो यस करेंगे और ट्रांसफरेबल नहीं है तो नो पे टिक लेंगे। अब आपको ग्रॉस सैलरी अमाउंट कुल कितनी मिलती है वो सातवें नंबर पर यहाँ पर भरेंगे। फिर ग्रॉस सैलरी के बाद में नीचे वाले लाइन में डिडक्शन कुल कितना होता है यहाँ भरेंगे,
फिर आपको नेट एमोलुमेंट कितने होते हैं, नेट सैलरी आपको कितनी मिलती है, वो यहाँ पर भर देंगे। देते हैं आठवें नंबर पे, आठवें नंबर पे प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस लेगा, जहाँ आप वर्तमान में रहते हैं उस जगह का आपको एड्रेस यहाँ पर भर देना है। फिर यह मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भर देना है। अब मैं नीचे चलता हूँ, नौवें नंबर पे आपको परमानेंट एड्रेस भरना है, जहाँ आपका स्थायी निवास स्थान हो वो उसको भरना है। नेम ऑफ एड्रेस ऑफ पोज ऑफ गारंटर, यानी कि इसमें सिर्फ एक छोटी सी शर्त है कि आप जो एक गारंटर होगा उसका आपको नाम और एड्रेस भरना है। ग्यारहवें नंबर पर उस गारंटर का एक डिटेल है, उसके व्यवसाय का डिटेल भरना है कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके फ़ोन नंबर, उसके रेजिडेंस निवास के फ़ोन नंबर, फिर उसका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट नंबर जो है वो यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर उसके जिस जगह से रहते हैं उसका प्लेस ऑफ नेम भरने में आएगा, और यहाँ उसके साइन अपने जो सैलरी अकाउंट जो अपने जो भी बंदा जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रहे हैं उसके यहाँ पर सिग्नेचर हो जा रहे हैं। इसी के बाद में मैं और नीचे लेता हूँ, फिर एक छोटा सा सर्टिफिकेट देना पड़ता है जो एम्प्लॉयर को, वह सर्टिफिकेट इस प्रकार के है और कौन देता है, सर्टिफिकेट टू बी इशू बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर जिस विभाग में काम करता है, सेवा दे रहा है, नौकरी करता है, उस विभाग का हेड ऑफ इंचार्ज होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो सैलरी जहां से बनती है वो ये सर्टिफिकेट देगा। इसमें लिख इसमें वो यहाँ पर लिख देगा आपका नाम और आपके इंस्टीट्यूट का नाम, तो रिकॉर्ड के अनुसार जो करेक्ट होगा वो यहाँ पर भर देगा। फिर इसमें वहाँ उस विभाग के हेड मुखिया का जो सिग्नेचर और डेजिग्नेशन और ऊपर जो ऑफिस की स्टैम्प है वो यहाँ पर हो जाए लग जाएगी। इसके बाद निचला जो फार्म है ये सिर्फ ऑफिस के यूज के लिए है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। और छोटा सा एक अंडरटेकिंग जो देना होती है, ये अंडरटेकिंग आपको देनी है, यहाँ पर एक एग्रीमेंट जिसे कहते हैं एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट आप अंडरटेकिंग के बाद एक ब्रांच मैनेजर के नाम से ये संबंधित है। फिर इस तरह से इसमें आपका अकाउंट नंबर मंथली, और इसमें अकाउंट नंबर के बाद में जो छोटी छोटी सी कुछ यहाँ पर पढ़ना है वो सरल तरीके से इजी है भर के आप नीचे साइन कर देना है, और ब्रांच मैनेजर को हमें उसको दे देना है। इस बस इतना सा आपको करना है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए, और आपको मुफ्त में ही यानी कि रिटर्नेबल जो कि बिना ब्याज के मिलेगी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए